दोस्तों, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फाइनेंशियल बुक में पैसों के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसका इस्तेमाल आज के वक्त में बहुत लोग करते हैं। आज हम यही बात करेंगे कि क्यों आपको अपना पैसा बैंक में सेव करके नहीं रखना चाहिए, इसके बजाय आपको उन पैसों को चार ऐसी असेट्स हैं जिनमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है। तो देखो, कैश को अपने पास रखने से या बैंक में रखने से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, उल्टा आपका कैश वैल्यू खोने लगता है धीरे धीरे। तो अब सवाल ये आता है कि उन कैश का आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें नंबर वन है, जहां आपको अपना कैश इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है गोल्ड्स मनी, जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम। इनमें आपको अपना कैश इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता जो कागज का टुकड़ा आपके हाथ में है, जिसकी आज वैल्यू 2000 है, कब वो वर्थलेस हो जाए। और यही चीज आप अमीर लोगों में भी नोटिस करेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में वो लोग प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करते हैं। प्रेशियस मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनकी वैल्यू हमेशा से बढ़ती रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए अपना कैश इसमें इन्वेस्ट करें। सेकंड जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज। सिंपल शब्दों में कहो तो रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की, जो प्रेशियस मेटल होते हैं वो नेचर से हमें मिलते हैं। और इन्हीं में से जैसे सिल्वर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर। और इस तरह दूसरे मटेरियल्स जैसे कोबाल्ट, निकल्स और कॉपर भी इंडस्ट्री में हाई डिमांड में रहते हैं हमेशा। जैसे कोबाल्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि उसका यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। थर्ड है वैल्यू स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट हमेशा कैश से बेहतर रिटर्न देती है, मगर इसमें लो रिस्क होने के साथ साथ लो रिटर्न्स भी होते हैं स्टॉक्स के मुकाबले। और जहां हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहिए इन्वेस्टर्स को, उनके लिए स्टॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर स्टॉक इक्वली रिस्की नहीं होता। स्टॉक मार्केट्स ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में बटी हुई है, वैल्यू स्टॉक्स और ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि ये आइडिया और टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, जिसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वहीं वैल्यू स्टॉक्स जिनमें इंडस्ट्रियल मेटल्स की डील्स होती है, उनमें रिस्क कम रहता है, क्योंकि उनकी स्टेबल डिमांड बनी रहती है। तो ये तीन ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं जहां आप अपना कैश इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसी के साथ आप लैंड, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो कोई अच्छी डील देखकर, ये भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो अगर अब आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब जरूर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।